सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। श्रीदेवी के निधन से केवल उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड भी सदमे में है। दिवंगत अभिनेत्री के पति बोनी कपूर ने 24 फरवरी की रात दुबई के उस होटल में श्रीदेवी के अचानक निधन को लेकर अपने मित्र और फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा से खुद का दर्द भरा अनुभव साझा किया। बोनी कपूर और श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाहा की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गए थे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद बोनी कपूर मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी होटल लौट आई थी। अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बोनी ने फिर टिकट बुक की और दुबई पहुंच गए। श्रीदेवी को दिया था सरप्राइज बोनी कपूर से बातचीत के बाद कोमल नाहटा ने इस संबंध में ब्लॉग लिखा और फिर उसे अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया। कोमल नाहटा से बातचीत करते हुए बोनी कपूर ने बताया, 24 फरवरी के सुबह मैंने उन्हें श्रीदेवी कॉल किया और उनसे बातचीत की। श्रीदेवी ने बताया कि वो उन्हें बोनी कपूर मिस कर रही हैं। मैंने कहा, मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि मैं आज शाम को फिर से दुबई आ रहा हूं। पहली बार विदेश दौरे पर अकेले रही थी श्रीदेवी। नाहटा से बातचीत करते हुए बोनी कपूर आगे बताते हैं, जाह्नवी श्रीदेवी की बड़ी बेटी ने मुझे यह आइडिया दिया था कि मुझे दुबई जाना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता हो रही थी जो कभी अकेली नहीं रही थी। जाह्नवी को लगा वे डर रही होंगी, अपना पास सपोर्ट और डॉक्यूमेंट भी खो सकती हैं। हमारा 2018 का दुबई ट्रिप अनशेड्यूल था और यह बिल्कुल 1994 के बेंगलुरु ट्रिप के जैसे था। शादी के बाद 24 सालों में केवल दो ही मौके आए जब श्रीदेवी मेरे बिना अकेले विदेश दौरे पर गईं। एक था न्यूजर्सी का और दूसरा था वैंकूवर का, लेकिन इन दोनों मौकों पर मेरे मित्र की पत्नी उनके साथ थी। यह पहला मौका था जब 23 और 24 फरवरी को श्रीदेवी दुबई के होटल में अकेले रही थी। होटल पहुंच कर दिया था सरप्राइज। नाहटा ने ब्लॉग में लिखा कि बोनी कपूर ने बातचीत में बताया कि बोनी ने श्रीदेवी को दुबई के जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल पहुंच कर सरप्राइज दिया था। बोनी ने होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला था। नाहटा ने बोनी के हवाले से लिखा है, दोनों टीनेज प्रेमियों की तरह गले लगे। उन्होंने श्रीदेवी ने मुझसे कहा कि उन्हें अंदाजा था कि मैं उनसे मिलने दुबई आ सकता हूं। दोनों गले लगे, चूमा और करीब आधे घंटे तक बातें की और बोनी कपूर की जान निकल गई। इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से कहा कि वो डिनर के लिए चलेंगे और थोड़ी देर बाद श्रीदेवी नहाने चली गई। बोनी ने नाहटा को बताया, मैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने के लिए टीवी चैनल बदलने लगा और 15 से 20 मिनट तक मैंने मैच देखा। फिर मुझे यह फिक्र होने लगी कि शनिवार को सभी रेस्तरां में भीड़ होगी। इस समय लगभग 8 बजे होंगे, लेकिन जब काफी देर तक वे बाहर नहीं आई तो मैंने उन्हें आवाज लगाई। अंदर से पानी का टैप खुला होने की आवाज सुनकर मैंने फिर जान जान कहकर आवाज दी। किसी भी बात का जवाब न देने पर मैं परेशान हो गया और बाथरूम का दरवाजा खोला, जो अंदर से बंद नहीं था। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा तो वह सिर से पांव तक बाथटब में डूबी हुई है, सिर से लेकर अंगूठे तक। मैं तेजी से उन तक पहुंचा, लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ना हटाने लिखा है, जो कुछ हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। वह पहले डूबी फिर बेहोश हुई, या पहले बेहोश हुई फिर डूबी, शायद यह कभी पता नहीं चल पाएगा। बाथटब से थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरा था। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा के बाद बोनी ने अपने सोशल अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी की आत्माओं की शांति की प्रार्थना की थी और यह भी बताया था कि अब उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। बोनी के बाद अब बेटी जाह्नवी ने भी अपने सोशल अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट किया है।